बात बताना शहरी हूँ और उसके साथ साथ मेरा ताल्लुक अभी स्टूडेंट लाइफ से है। मैं ये बताना चाहूंगी कि जब से ये हम तब्दीली के नारे सुन रहे थे उसके बाद से आज तक हमें जिस हालात में हम जी रहे थे मजीद बदतर हालात में आ गए। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से हमारे घरों में लाइट का इशू चल रहा है। ऑनलाइन क्लासेस तो रख दी है लेकिन लाइट नहीं, तो पढ़ेंगे कैसे। मैं गुजारिश करती हूँ कि तमाम इदारों से, तमाम जितने भी इनके चेयरमैन बैठे हुए हैं, कि आइए देखिए हमारे हालात को किस तरीके से जिंदगी गुजर रही है। आप लोगों के पास तो बहुत सारे साइशें हैं, आप लोग जनरेटर्स यूज करते हैं, काफी चीजें करते हैं। अगर हम जनरेटर्स यूज कर लेते हैं तो गैस का इशू आप लोग कर देते हैं। मैं चाहती हूँ कि एक प्रॉपर तरीके से हमें बताएं कि हम किस तरीके से सर्वाइव करें। गर्मी का हाल देखें, कुछ कुदरती आफात है, उसके साथ साथ आप लोगों ने मजीद हाल को बदतर बना दिया है। कई इसे बहुत मासूमाना गुजारिश है कि अपने हालात को बेहतर करें, कि इससे पहले आवाम काबू से बाहर हो जाए और आपकी तमाम इदारों को नुकसान पहुंचाए। इस मौजूदा हालात के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे अपनी क्लास फेलोज हैं, काफी सारे हमारे जानने वाले ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास इतनी आसाइशें नहीं है कि वो इंटरनेट का यूज कर सके या ऑनलाइन क्लासेस दो तो तीन तीन घंटे ले सके। तो ये कोई आसाइशें हमें मुहैया की नहीं जाती और इस तरीके के फिर सर्कमस्टेंसेस बना दिए जाते हैं कि उसके बाद हम किसी भी किस्म से पढ़ने से बिल्कुल नाकाबिल हो जाते हैं। और मुल्क की तालीम जो है वो बच्चों में, मुसलमानों में होती है मियाद, और उसके बावजूद जब हमारे ऊपर हमारी तालीम का इंसार ही नहीं है, हमारा कोई राइट ही नहीं है, तो हम किस तरीके सर्वाइव करेंगे और पाकिस्तान को आगे लेके चलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वाकई पाकिस्तान आगे बढ़े तो आपको चाहिए आप ऐसे इकदाम करें जिससे तमाम स्टूडेंट्स को सुकून आसाइश के साथ पढ़ने की फरहमी हो, क्योंकि इतने आसाइश किसी के पास नहीं होती। किसी के पास डिवाइस नहीं है, किसी के पास इंटरनेट नहीं है, लाइट का इशू वैसे इतना ज्यादा है, तो किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस होंगी। बराए मेहरबानी इस पर गौर करें और हमें पढ़ने के लिए मौका दें। शुक्रिया।